पिछले दो ओलंपिक में इंडिया ने दो मेडल जीते और एक जीता पीवी सिंधु ने 2016 में सिल्वर मेडल, एक जीता 2012 में साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल। और इन दोनों का श्रेय जितना इन दोनों खिलाड़ियों को जाता है उतना ही जाता है या फिर उससे ज़्यादा जाता है पुलेला गोपीचंद को। पुलेला गोपीचंद इस तरह के कोच हैं कि वो अपनी कमिटमेंट्स के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करते और जो वो एक बार ठान लेते हैं उसके पीछे पूरे जी जान से जुट जाते हैं। दरअसल में आजकल पुलेला गोपीचंद ने इतनी ज़्यादा वक्त दिया हुआ है बैडमिंटन को कि वो इस वक्त नेशनल टीम के साथ विदेश में नहीं जा रहे हैं और उसका कारण साफ साफ है। एक तो 2020 का ओलंपिक आ रहा है और ऊपर से ऐसा लग रहा है पी गोपीचंद को कि जो पीछे से खिलाड़ी आ रहे हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं, इसीलिए वो नेशनल बैडमिंटन अकेडमी में उन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो विदेश जाने का मौका छोड़ रहे हैं टीम के साथ, तो उन्होंने कहा कि मेरा घूमना या इनके साथ कोचिंग पे जाना इतना ज़रूरी नहीं है, अगर मैं इस वक्त चला गया तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि अगले एक दो साल बाद जब पीवी सिंधु या साइना नेहवाल बैडमिंटन नहीं खेलेगी अगले 5 से 7 साल बाद, तो इनके अलावा आपको कोई बड़ा प्लेयर देखने को नहीं मिलेगा भारतीय बैडमिंटन में से। और गोपीचंद का मानना है कि बड़े खिलाड़ी आते रहने चाहिए, हर 2-3 साल के अंदर एक बड़ा नाम बैडमिंटन में से निकल के आना चाहिए और इसीलिए वो इस वक्त नेशनल बैडमिंटन अकेडमी में अपना पूरा वक्त दे रही हैं। उन्होंने नेशनल टीम के साथ जाना छोड़ दिया। उनका मानना है कि नेशनल टीम को तो एक बार को कोई भी संभाल सकता है, लेकिन जो नेशनल बैडमिंटन एकेडमी है जहाँ पर जूनियर बैडमिंटन प्लेयर आते हैं उनके बेसिक्स को ठीक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उनको एक अटैकिंग प्लेयर बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और गोपीचंद इस काम में लगे हुए हैं। गोपीचंद कभी भी श्रेय नहीं लेते किसी भी चीज़ का, जब चाहे पीवी सिंधु का सिल्वर मेडल हो या साइना नेहवाल का कांस्य पदक, वो श्रेय लेने में यकीन नहीं रखते, वो सिर्फ मेहनत करने में यकीन रखते हैं और वो भारत को मेडल दिलाने में यकीन रखते हैं। और 2020 ओलंपिक्स के लिए पुलेला गोपीचंद ने ये संकल्प लिया है कि वो इंडिया को बैडमिंटन से एक गोल्ड मेडल जरूर दिलवाएंगे और इसके लिए वो प्रयासरत भी हैं। और हमें इस बात में कोई शक नहीं, जब गोपीचंद अपनी मेहनत करेंगे तो वो हर कीमत पर गोल्ड मेडल तो दिलवा कर ही रहेंगे, चाहे वो साइना नेहवाल लाए, चाहे वो पीवी सिंधु लाए, या चाहे फिर पी कश्यप लाएँ। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।